अब हम तीसरी गफलत पर आते हैं। पहली गफलत तो वो थी कि पढ़ते ही नहीं थे, दूसरी गफलत के कोई नमाज पढ़े, कोई छोड़े, कोई पढ़े, कोई छोड़े। तीसरी गफलत वाले जो लोग हैं, ये लोग पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो बराबर से नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर सही बुखारी की हदीस है, माँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफाति फी सलाह, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में नज़रों को यहाँ वहाँ जाना इसके मुतालिक पूछा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा बताती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्दी, ये चोरी है जो शैतान बंदे की नमाज में से करता है। मतलब देखिए, एक क्लियर रूल ये है, इब्न खुज़ैमा की सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें सजदे की जगह से नहीं हिली पूरी नमाज में, सिर्फ एक वक्त पर हिलना साबित है, वो है तशाहुद में, तहियात के दौरान। मा खलफा बसरहु मौदिया सुजूद ही हत्ता खरजा मिन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें सजदे की जगह से नहीं हिली यहाँ तक आके नमाज में से निकल ना गए। मतलब कि सजदे की जगह पर नज़रें होनी चाहिए। अब अगर नज़रें जो सजदे की जगह पर होनी चाहिए वो अगर राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, कभी कोई चीज़ देख रही है, कभी कोई चीज़ देख रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शैतान चोरी कर रहा है बंदे की नमाज में से। तो ये थर्ड कैटेगरी वाला जो शख्स है, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसकी नज़रें यहाँ वहाँ। उसी तरह हम ये देखते हैं कि कोई शख्स है जो रुकू कर रहा है लेकिन इतनी कंजूसी से रुकू करता है, पीठ सीधी नहीं होती। सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, अबू मसूद अल-बदरी रदियल्लाहु अन्हु उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुजज़ियु सलातुर रजुली, एक शख्स की नमाज उसे काम नहीं आएगी, हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रुकू व सुजूदी, यहाँ तक कि वो अपनी पीठ को सीधा ना कर ले रुकू में और सजदे में। तो रुकू में सीधी पीठ ना कर ले, सजदे में पीठ सीधी नहीं है, तब तक नमाज काम नहीं आएगी। एक और हदीस जो मुस्नद अहमद में है, उसमें आता है अबू कतादा रदी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा चोर वो होता है जो अपनी नमाज में से चोरी करे। साहबान पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नमाज में से कैसे चोरी कर सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युकीम सुलबहु फी रुकू व सुजूदी, वो अपनी पीठ को सीधी नहीं करता रुकू में और सजदे में। तो अगर कोई शख्स नमाज में, रुकू में, सजदे में पीठ सीधी नहीं कर रहा है, रुकू जैसे आपने देखा होगा ना, लोग कंजूसी से जैसे थोड़े से बेंड हो जाते हैं बस, जैसे ये रुकू है उनका। रुकू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू के बारे में आता है, बुखारी की हदीस है कि अगर पानी उनकी पीठ पे डाल दिया जाता, लस्तकर्रा, पानी वहीं पे रुका रहता, पानी ना यहाँ बहता यहाँ बहता, ये ऐसी होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ। तो अब ये शख्स नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन कभी शैतान उसकी नमाज में से चोरी कर रहा है, कभी वो अपनी नमाज में से चोरी कर रहा है। दोनों ऑप्शन हमने देखा, शैतान कैसे चोरी करता है, जब नज़रें यहाँ से वहाँ जाती तो शैतान चोरी करता है। हकीकत में नज़रों से कॉन्सनट्रेशन होता है, तो नज़रें अगर भटकती है तो ध्यान भी भटक जाता है, अगर नज़रों को कंट्रोल कर लेंगे तो ध्यान भी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कोई शख्स खुद अपनी नमाज में से चोरी करता है। इन लोगों की नमाज में एक और प्रॉब्लम हो सकता है, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी में बैठे थे और एक शख्स आया, आकर के उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम करके जाने लगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इर्जी व तुसल्ली, वापस जाओ और नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। अब वो गया वापस, फिर से नमाज पढ़ी, वापस आया, वापस जाने लगा, सलाम करके जब जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उससे वही बात कही, जाओ वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ो। तीसरी बार भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही तो वो शख्स ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो नमाज ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बताया कि एक शख्स की नमाज उसे तब तक काम नहीं आ सकती जब तक वो इस तरह से नमाज ना पढ़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज का तरीका बयान किया, उसके अंदर बार बार बताया कि वो रुकू में तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए, रुकू से खड़ा हो जाए तो तब तक खड़ा रहे जब तक सुकून ना आ जाए, जब तक पीठ की सारी हड्डियाँ अपनी जगह पर वापस ना आ जाए, सजदे में जाए तो तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए, दोनों सजदों के दरमियान बैठे तो तब तक बैठे जब तक सुकून ना आ जाए, सजदे में फिर से जाए तो तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए। इत्मीनान और सुकून वाली नमाज। और फास्ट पीठ नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा जाओ तुमने अच्छे से नमाज नहीं पढ़ी, ये नहीं कहा, फ़ैन का लम तुसल्ली कहा, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं।
पता चला फास्ट स्पीड नमाज जो एक स्पीड से पार करके फास्ट हो जाती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनें, आज कितने सारे लोगों की नमाजें होती हैं लेकिन खट 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 जैसे कि वो चोंच मार रहे हैं रुकू में सजदे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये थर्ड वाला जो शख्स है, ये पहले वाले जैसा नहीं है जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, ये दूसरे वाले जैसा भी नहीं है जो कोई नमाज पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, ये पढ़ रहा है लेकिन पढ़ने में गफलत ये कर रहा है। कभी खुद नमाज में से चोरी कर रहा है, कभी शैतान उसकी नमाज में से चोरी कर रहा है, और कभी ओवर स्पीडिंग की वजह से उसकी नमाज बन जा रही है लम तुसल्ली, स्पीड लिमिट होती है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई नमाज के अंदर ओवर स्पीड करे तो क्या हो जाएगा, उसकी नमाज इज इक्वल टू नो नमाज, ऐसी नमाज फइन्नका लम तुसल्ली। तो ये देख रहे हैं ये तीसरी किस्म की गफलत। आइए चौथी गफलत की तरफ बढ़ते हैं। चौथी गफलत ये है कि कोई शख्स नमाज तो पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, हो सकता है पांचों वक्त भी पढ़ रहा हो, लेकिन इसका चौथा प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जब नमाज पढ़ता है ना तो इसका ध्यान कहीं और ही होता है। खुद जिस्म में नमाज पढ़ रहा है जिस्मी तौर पर, लेकिन जहन कहीं और है। और हम देखते हैं कि हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल मा युरफ़ऊ मिन हादिहिल उम्मा अल-खुशू, सबसे पहली चीज़ जो इस उम्मत में से उठा ली जाएगी वो है खुशू। हत्ता ला तरा फीहा खाशियन, यहाँ तक का कि तुम किसी को भी खुशू के साथ नमाज पढ़ते नहीं दिखोगे, यानी कि नमाज जाने से पहले खुशू चले आएगा। क़यामत से पहले क्या होने वाला है, जो लोग होंगे क़यामत से पहले वो बेनमाज़ी होंगे, लेकिन नमाज जाने से पहले जो चीज़ जाने वाली है वो है खुशू जाने वाला है। जब खुशू नहीं होगा, जब वो ठंडक जो आँखों को महसूस होती है, जो दिल को सुकून महसूस होता है, वो नहीं महसूस होगा, तो जैसे कि रूह चले गया जिस्म में से, अब जिस्म भी थोड़े दिनों में सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही मामला है खुशू का। सूरह मोमिनून की आयत है सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2, कद अफलहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, वो जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, जिनकी नमाज में खुशू होता है। तो नमाज में खुशू होने की वजह से कामयाब हैं वो। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया आज ज़माने में। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, बोलते हैं कि हम लोग जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना तो ध्यान में दूसरी चीज़ें चलती रहती है। कोई बिजनेसमैन है तो बिज़नेस का सोच रहा है कि आज मेरे बिज़नेस में सेल थोड़ा कम लग रहा है, अब पता नहीं क्या करना होगा, थोड़ा डिस्प्ले ठीक करूँगा, थोड़ा पार्टीज़ का पेमेंट करना है, थोड़ा फलां काम करना है, फलां स्टाफ की तरफ ध्यान देना है। कोई स्टाफ है तो वो सोच रहा है कि मुझे आज क्या क्या काम करना है, ऑफिस में फला फला काम बाकी है। स्टूडेंट पढ़ाई की प्लानिंग कर रहा है, हाउसवाइफ मेनू सोच रही है कि आज पकाना क्या है। शौहर सोच रहा है कि बीवी के पास जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या बातें आज सुननी होगी। अब ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब मेरे भाई मेरी बहनें, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। क्योंकि नमाज में से जब खुशू चला गया तो नमाज भी खतरे में आ जाती है, वो नमाज में वो सुकून नहीं मिलता, वो अल्लाह की याद नहीं होती। तो यहाँ बहुत अहम बात हमारे लिए कि हम कैसे खुशू बाकी रखें। बहुत सारे लोगों की नमाज ऑटोमेटिक नमाज होती है, जाते हैं उनका जिस्म खड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली नमाज परफॉर्म करता है और नमाज ख़त्म हो जाती है। ये सालों साल तक नमाज पढ़ने के बाद ऐसा होने लगता है। अब मेरे भाई मेरी बहनें, ये थोड़ी ही काफ़ी होने वाला है। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है तफर्रग ली इबादती, ऐ बंदे अपने आप को फारिग कर मेरी इबादत के लिए। अब एक इंसान ने जिस्मी तौर पे तो फारिग कर दिया, अपने आप को फ्री किया और नमाज के लिए हाजिर हो गया, लेकिन जहनी तौर पे फारिग किया या नहीं किया? फारिग कर, कौन सा फारिग कर? सिर्फ जिस्मी फारिग नहीं, जहनी तौर पे भी तो फारिग करना है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है आज के माशरे में। मेरे भाई मेरी बहनें, अब यहाँ पर इस ताल्लुक से हम सबके लिए इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली ज़रूरी है कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि नमाज वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारे सारे आमाल अच्छे हो जाएंगे, अगर नमाज अच्छी होगी तो, और नमाज ख़राब हो गई तो सारे आमाल ख़राब हो जाएंगे। तो आपको मैं उभारता हूँ कि ये चीज़ अगर प्रॉब्लम अगर है, और जो बहुत कॉमन है आज, तो इसे इमीडिएटली सॉल्व करना ज़रूरी है। एक नमाज भी खुशू के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। खुशू हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी नमाजों में हो। और हम ये देखते हैं कि नमाज में जब खुशू आता है तो एक दिल को इत्मीनान मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि
کہ اے بلال ہم لوگوں کو راحت پہنچا دو، اے بلال اذان دو اور ہم نماز پڑھیں، راحت ملتی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جوئیلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے نماز سے، دل کو اطمینان سکون ملتا ہے نماز سے، لیکن خشوع نہیں تو نہیں ہونے والا، اب یہ پرابلم کو سالو کیسے کریں؟ یقیناً الحمدللہ اس موضوع پر بہت سارے بینیفیشیل آپ کو کتابیں، آرٹیکلز، لیکچرز ملیں گے، میرا لیکچر بھی اس موضوع پر موجود ہے کہ نماز میں خشوع کیسے لائیں۔ آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں، ایک سلیوشن، اور یہ بہت افیکٹو سلیوشن ہے، نماز کے اندر خشوع کو کیسے ہم لائیں، اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے، شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامع میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاۃ، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑھے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا۔ اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ صلی صلاۃ مودین اذا قمت الی صلاتک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فصلی صلاۃ مودین، تو الوداعی نماز پڑھو، الوداعی نماز، یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشاء نہیں ہے، مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشاء نہیں ہے، عصر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم، یہ لاسٹ نماز ہے زندگی۔ ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دیں، کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لے اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مارنے والے ہیں، آخری خواہش ہے کوئی، تو کوئی کہے کہ ذرا دو رکعت نماز پڑھنے دو، اب وہ دو رکعت جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے کیسے پڑھے گا؟ وہ کتنے اطمینان سے پڑھے گا نا، کتنے کانسنٹریشن سے پڑھے گا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ایک ایسی دو رکعت پڑھ لوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا، مجھے معاف کر دے گا، تو وہ دو رکعت میں کتنا دھیان لگائے گا۔ ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے، یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں، اب جب لاسٹ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں گے تو کانسنٹریشن خود بخود ہونے لگتا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر الگ الگ وجوہات بتائی ہے، قرآن و حدیث میں سے ہمیں الگ الگ ریزنز دکھائی دیتے ہیں، کچھ فزیکل طریقے ہیں کہ بھائی فزیکلی کوئی چیز ہوتی ہے جو ڈسٹرب کرتی ہے ایک انسان کو، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی نماز کام نہیں آئے گی جس کے پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اب اس کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی، اب اس کا دھیان یہیں پہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کھانا پروس دیا جائے اس وقت پہ نماز نہیں قبول ہوتی، تو اب کھانا لگا دیا گیا ہے، اب وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے لیکن دھیان تو کھانے کی طرف ہے نا، تو کیا ہوگا؟ کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو۔ تو یہ ہے فزیکل، جسمی طور پر۔ کوئی چیز ہوتی ہے جو ذہنی طور پر، کہ جیسے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا نماز کے لیے، اور اس میں سے ہم نے دیکھا فصلی صلاۃ مودین، الوداعی نماز پڑھو، لاسٹ نماز پڑھو، جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم سب کو اپنی نمازوں کو سدھارنے کے لیے یہ چیز کرنی ہوگی، اور یہ نماز کے متعلق چوتھی غفلت ہے۔ پہلی غفلت ہم نے کیا دیکھی؟ کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے متعلق ہم نے حدیث کیا دیکھی بخاری کی اور مسلم کی، کہ ایک شخص اور شرک اور کفر کے درمیان ایک چیز ہے ترک الصلاح، نماز چھوڑ دینا۔ دوسری غفلت ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز، کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز چھوڑتے ہیں، ان کے متعلق ہم نے دو حدیثیں دیکھی، ایک تھی عصر کی نماز کے متعلق کہ جو شخص کا مال اور خاندان لٹ گیا ہے، یہی مثال ہے اس شخص کی جو عصر کی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر، اور ہم نے وہ حدیث دیکھی جو نیند کی وجہ سے اپنی فرض نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کی بات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ حالت برزخ میں ان کے سر کو کچلا جائے گا پتھر سے۔ تیسری غفلت ہم نے یہ دیکھی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شیطان کبھی ان کی نماز میں سے چوری کرتا ہے، کبھی وہ اپنی نماز میں سے چوری کرتے ہیں، کبھی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ان کی نماز بن جاتی ہے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھی گی نہیں۔ چوتھی غفلت ہم نے دیکھی کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور رکھ کے پڑھتے ہیں، ان کا دھیان کام پہ لگا ہوا ہے، کام ختم کر رہا ہے، ذہن کو فارغ نہیں کیے، جسم کو فارغ کیے لیکن دماغ کو فارغ نہیں کیے، کنجوس ہیں،
भाई थोड़ी देर तक सोच नहीं सकते, 15 मिनट कोई काम नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी नेमतें दी, अब ये जो नमाज पढ़ रहा हूँ मैं जितनी देर, अब इस टाइम पे काम भी फुल स्टॉप, बाद में काम करूँगा। अच्छा सही बात तो ये है कि अगर वो टाइम पे अपने आप को फारिग कर देंगे काम ज़्यादा होगा। हाँ सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है तफर्रग ली इबादती, ऐ बंदे अपने आप को फारिग कर मेरी इबादत के लिए, मैं तेरे दिल को इत्मीनान से भर दूंगा और तेरी गरीबी को दूर कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे हाथों को काम से भर दूंगा और तेरी गरीबी को दूर नहीं करूंगा। पता क्या चला, हाथों को काम से भर दूंगा, फारिग नहीं करना है ना, क्या सोच रहे थे, काम के बारे में सोच रहे थे, काम के बारे में सोच रहे थे, काम करने का बहुत शौक है तुम्हें। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह कहता है अब ऐसे शख्स के हाथों को अल्लाह काम से भर देगा, बहुत शौक है ना, करते रहो। और काम जो खत्म होते हैं ना हमारे, हमारे करने से नहीं खत्म होते, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की मदद से खत्म होते हैं। अब वो शख्स काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और खत्म नहीं हो रहे हैं उसके काम। जैसे कई बार होता है ना, आदमी कहता है अरे मैंने काम कितनी बार कर रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जायजा लो अपनी जिंदगी का। तो हकीकत तो ये है कि हमारे काम ज्यादा खत्म होंगे अगर वो टाइम पे काम के बारे में नहीं सोचेंगे। इंसान ये सोचता है कि नमाज के टाइम पे भी काम करूंगा तो शायद ज्यादा काम हो जाएगा, 9 घंटे काम करता हूँ उसकी जगह 10 घंटे काम करूंगा तो ज़्यादा काम ख़त्म कर पाऊँगा। लेकिन हकीकत यह है ना कि वो नमाज के वक्त पर अपने जिस्म और अपने जहन दोनों को वो अगर फारिग कर देता है, उसके काम ज़्यादा ख़त्म होंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद उसके साथ होगी और अल्लाह की मदद से उसके काम ख़त्म होंगे, उसे दुनिया में भी खैर मिलेगा, आखिरत का भी खैर मिलेगा। तो ये हमने देखे चौथी किस्म की गफलत, कि जिसके अंदर कोई शख्स नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन जहन व दिमाग को फारिग नहीं किया हुआ है। आइए पांचवी गफलत देखते हैं। पांचवी गफलत यह है कि यह शख्स पहली किस्म वाला नहीं है जो पढ़ते ही नहीं है, दूसरी किस्म वाला नहीं है जो कोई नमाज पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं कोई पढ़ते हैं, तीसरी किस्म वाला नहीं है जो पढ़ता तो है लेकिन गलत तरीके से पढ़ रहा है, चौथी किस्म वाला नहीं है जिसे खुशू नहीं है। इसका एक पांचवा प्रॉब्लम है। पांचवा प्रॉब्लम यह है कि वो नमाज जो पढ़ता है उसने कभी ये कोशिश नहीं की, ये स्टडी नहीं की, ये इल्म नहीं हासिल किया कि आखिर में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। सही बुखारी की हदीस है, जिल्द 1 हदीस नंबर 604, किताबुल आदान, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रायतुमुनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। कैसे देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए, हमें वैसे ही नमाज पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि उनके घर में पढ़ रहे हैं, जैसे कि बाप दादा से उन्हें कोई बात मिल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जैसे तुम्हारे अब्बा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना, जैसे तुम्हारे गली के मौलाना पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना, ऐसे नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ना। सुनन अबू दाऊद की हदीस है जो सही सनद से मिलती है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्दा लयनसरिफु, बंदा नमाज पढ़ता है पलटता है, वमा कुतिब लहू इल्ला उश्रु सलातिही, लेकिन उसके लिए नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा लिखा जाता है, 10वां, 1/10, यानी क्या 10 नमाज पढ़ेगा तो उसे एक नमाज का सवाब मिलेगा, तो सुहा किसी के लिए 9वां, 9 नमाज पढ़ेगा तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, सुमनुहा सुबुहा सुदसुहा खुमसुहा रुबुहा थुलुसुहा निसफुहा, किसी के लिए 8वां, किसी का 7वां, छठा, 5वां, चौथाई, 1/3, आधा। भाई नमाज तो पूरी पढ़ी मैंने तो ये सवाब क्यों कम मिल रहा है? इस बारे में सही बात यह है कि जितनी सुन्नतों पर बाहर अमल होगा और जितना खुशू अंदर होगा उतना सवाब ज़्यादा मिलेगा। अब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में वो 2-3 कुछ घंटे नहीं निकाले आज तक जिससे कि वो स्टडी करें कि नमाज कैसे पढ़ना है। और मैं आप सबको उभारता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये इमामों को आपस में बांटना बंद करिए कि ये हमारे इमाम हैं, ये फला लोगों के इमाम हैं, ये कोकन वालों के इमाम हैं, ये अफ्रीका वालों के इमाम हैं, गल्फ वालों के इमाम हैं, नहीं, सब इमाम हमारे हैं। क्योंकि सारे उलमा, सारे इमाम मुज्तहिदीन की यही कोशिश थी कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े, हमें ये बांटने की कोई दलील नहीं मिलती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे। हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका सीखना है। जिस किसी के पास कुरान और हदीस से दलील है उनकी बात को ले लेना है। और आप खुद सोचो,
अगर नमाज में, एक नमाज में अगर एक गलती को सुधार लिए, एक गलती, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक गलती अगर सुधर गई, तो आपको पता है कि जितनी रकात पढ़ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई हो गया वो, जितनी नमाज जिंदगी भर पढ़ेंगे उससे मल्टीप्लाई हो गई। तो मतलब आमाल नामे में जो तराजू जो होगा कयामत के दिन, उसके अंदर वो एक इजाफा नहीं हुआ, वो एक गलती सुधारने से हमें जिंदगी भर की जितनी नमाजें पढ़ें उतना सवाब हमारा बढ़ के मिल रहा है। अल्लाह अकबर। तो इस मौजू में कितना ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा वक्त निकालें और नमाज के तरीके को स्टडी करें। मैं आपको दावत देता हूँ कि इस मौजू पर बहुत सारी ऐसी किताबें मौजूद हैं जिनमें हवालों के साथ, दलाइल के साथ बातें दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं नमाज के तरीके के मुतालिक, जिसमें नमाज के तरीके की तमाम चीज़ें दलाइल के साथ, एविडेंसेस के साथ, प्रूफ के साथ, हवालों के साथ मैंने लिए हैं। आप वो देख सकते हैं, इंशाल्लाह उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखें, ये है पांचवी किस्म की गफलत कि जिसके अंदर नमाज तो पढ़ रहे हैं, हो सकता है अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर क्या मामला है इनका कि नमाज पढ़ने में इन्होंने कभी तहकीक नहीं की कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और इल्म में वो चीज़ जो हम कर रहे हैं। देखिए, नमाज ऐसा अमल नहीं है जो ज़िंदगी में एक बार करना है या साल में एक बार करना है, ये तो रोज़ करना है, वो भी दिन में 5 बार। अगर इसमें हम एक गलती भी सुधार रहे हैं तो एक नहीं सुधर रही है, हमारी बहुत सारी गलतियां सुधर रही है डेली। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें। अकीदे के बाद सलाह का ही नंबर आएगा इसमें। तो ये हो गई 5 गफलतें। अब हम आते हैं छठी गफलत पर। छठी गफलत ये है कि ये लोग नमाज तो पढ़ते हैं, पहली किस्म वाले नहीं जो पढ़ते ही नहीं है, दूसरी किस्म वाले नहीं हैं जो कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, तीसरी किस्म वाले नहीं हैं जो सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, चौथी किस्म वाले नहीं हैं जिनके अंदर खुशू नहीं होता है, पांचवी किस्म वाले नहीं हैं जो तरीके के ताल्लुक से कभी तहकीक स्टडी ही नहीं करते। इनका एक अलग प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है सालों साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हो सकता है जिंदगियाँ निकल गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज में क्या कहते हैं अल्लाह ताला से उन्हें पता ही नहीं होता है, ज़िंदगी निकल गई लेकिन आज तक यही नहीं मालूम पड़ा कि मैं बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला से मैंने क्या कहा। नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या कहा, मीनिंग मालूम है, नहीं मालूम है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे कहा जाता है सूरह फातिहा की मीनिंग बताओ, वो बोलते हैं हाँ इसमें अल्लाह की तारीफ है। तो तारीफ तो हर जगह पर है, मीनिंग क्या है, मीनिंग नहीं मालूम है उन्हें। उसी तरह से सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल आला, अब ये नहीं पता है उनको कि क्या मीनिंग है। और अगर मीनिंग पता हो जाए तो ध्यान लगने में भी मदद मिलेगी, ध्यान लगने में भी उन्हें इसके ज़रिए एक अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलेगी। और क्या आपको ये पता है कि नमाज एक जैसे कलाम है, हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला से समझ में ही नहीं आया, ऐसे क्या ये सही है। हम देखते हैं क्या ये करना सही है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के अल्फाज है, उन्होंने कहा लैसा लका फी सलातिक इल्ला मा अकलता अलैह, तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज में से वही हिस्सा है जो तुम समझते हो, उन्होंने ये कहा। और सुनन तिर्मिज़ी में एक हदीस मिलती है जो सही अल जामे में जिसकी तहकीक है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह ताला नहीं सुनता दुआ उस शख्स की जिसका दिल गाफिल हो, ध्यान से नहीं लगा हुआ हो। मतलब ये एक बात है जो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआ नहीं सुनता जिसका दिल उसमें नहीं है, सिर्फ जुबान कह रही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की। जुबान ने हिदायत मांगी, दिल ने मांगा, दिल ने हिदायत मांगी, दिल को मालूम है कि वो हिदायत मांग रहा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, आप सबको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि नमाज में पूरी नमाज अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक क्या कहते हैं उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। एक बार थोड़ा याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें नमाज में ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। मेरे ब्रदर्स और मेरे सिस्टर्स, क्या करना है, एक बार हमें स्टडी करना है, एक बार हमें इस ताल्लुक से इल्म हासिल करना है कि नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कहते क्या हैं। और उस बात को जब जान लिए, अब जब हम कह रहे हैं तो दिल से कहना है, और जब दिल से कहेंगे ना तो हमें बात समझ में आएगी कि कितनी बड़ी चीज़ें कही जा रही है।
ہم جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری ہی ہے تعریف، اب یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری ہی ہے تعریف، ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھ رہے ہیں جو سب سے نیچی جگہ ہے، اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک فگریٹو لینگویج ہے، ایک ایکشن کے ساتھ جو لینگویج ہے، التحیات للہ، تحیات جو ہوتے ہیں، تحیات یعنی کہ سلام جو ہوتے ہیں، گریٹنگز ہوتی ہیں، وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس سے مراد ساری لفظی عبادتیں ہیں۔ والصلوات، صلوات نماز کا پلورل ہے، یعنی نمازیں ہماری اللہ کے لیے، نماز سے مراد جسمی عبادت ہے۔ والطیبات، پاک چیزیں، پاک چیزوں سے مراد خاص طور سے اس میں جو رزق ہمارا پاک ہوتا ہے وہ پاک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یعنی جسمی عبادت، زبان کی عبادت، مالی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ جب ہم میننگ پر غور کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی پیاری میننگ ہے، اور کتنی اچھی اچھی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں؟ یہ وہ عمل ہے جو عمل اگر صحیح ہو گیا ہماری پوری زندگی سدھر جائے گی، تو کیوں نہ اس کو سدھارنے میں تھوڑی سی محنت کر لیں۔